खैर जी, खोटा सिक्का रख छोड़िया, उस उन्नी यार अपनी वो रूटीन जारी रखी, वो काम ते वेंदा रिया। उसकी समाणी एक दिन काम करती पई है जी, वो गवाढ़ण आ गई, वो उससे नौजवान लड़के की वाण वाला जो वाण साफ करेंदा जो, उसकी समाणी काम करती पई आई, तो एक गवाढ़ण आई तो उस आख्या कि इस तरह असी अपना जाल, मच्छी का जो जाल होंगे ना, वह माछियां कौम दे, वह कौन आन माछियां, मच्छियां फतेंदे आन भाई, असी जाल जड़ा है ना वो असी बनाते पे हैं, तो रस्सी खुट गई है, अगर तुम मेहरबानी करो तो साड़ी कुछ मदद करो, यानी सर कुछ पैसे दे छोड़ो, तो असी होर रस्सी लैके या डोरी लैके अपनी जाल जी है ना वो मुकम्मल कर लसा। उस आख्या होर तो मेरे को शायद काय नहीं, वो समाणी आख्या तो मेरे को खोटा सिक्का पिया है, शामी जल्द मेरा घर वाला आसी ना, मैं उस को पुछा, उस को पुछण तो बाद मैं वो तुम्हें सिक्का दे सो, अगर थोड़े कोई वो कम आ गया। उन्हें आख्या जी वो साड़ी अपनी किस्मत तुसी सानू वो दिव्या है, वेखो मत वो चल वे, शामी वो गारा ला आ गया। उस इंजार सारा उसने किस्सा किया कि अजें गवाढ़ी गवाढ़ आई है, तो डोरी या जाल वो बुनते पैन, उन्होंने वो धागा जी वो खुट गया, तो सानू जरा उन्हें आख्या कि साड़ी मदद करो, होर तो मेरे को शायद है ही कोई ना। मैं उन्होंने आख्या कि शामी मेरा गारा ला आसी, मैं उस को पुछ के, तो मैं तुम्हें दिस आ दिस। उस आख्या साढ़े वो किड़े काम का, वो गारा ले आख्या तुसी इन करो भाई, वह खोटा सिक्का जड़ा है ना उसनों दे छोड़ो। वह शामी वह गवाढ़णी आ गई, उस वो सिक्का चाया तो उन्होंने दे छोड़िया। उस जेले सिक्का उसनों दिता ना, तो उस आख्या तुसी साड़ी मदद करेंदे पाए हो, इन ये भाई जेले ये जाल बन गई ना, अगर ये खोटा सिक्का चल वेंदा है तो ये जाल बन वेंदी है, तो इस जाल नाल असी जिहड़ी भी पहली मछली फदे सी, जितनी भी असी मछली फदे सी वह सारी तुहाडी। खैर जी, वो गए किस्मत का इन किस्मत की गल करते पे है ना, अगर किस्मत साथ हो तो उन्होंने वो किस्मत उन साथ दिता, तो वह खोटा सिक्का ही चल गया, वह डोरी लैके या धागा लैके आ गए, उन्हें वह धागा अपनी जाल बनाई, जाल बनावण तो पिछे उन्हें वो तुर गए मच्छी फदन, पहली जाल लाई तो चंगी मच्छी आई, उन्हें वह मच्छी साइड पर रखी, सुबह तो लैके शाम तोड़ी मच्छियां फदेंदे रहे, बाकी जितनी मच्छियां आना वो उन्होंने अपन, लेकिन उन्हें पहली क्योंकि वादा कित हो आई भी पहली जाल जिगड़ी है भाई वह मच्छी तुहाडी, उस मच्छी लैके आ गए, उन्हें मच्छी उस औरत ने दी, उस मच्छी ढाडी औरत कप्पी टुकी, जल्द कप्पी टुकी ना उस मच्छी दे विचू दो लाल, विचू दो लाल निकले मच्छी दे विचू दो लाल, हकीक या कह उसनू की आखते ने नगीने या इस किस्म के ना, वो विचू निकले, उस वो चाए तो चा के अंदर उन्हें कौलियां कप्पा दे विच रख छोड़े। उस तो जो गारा वाला आया, उस आखिया की पक्का, तो उस दसिया कि अज मच्छी पकाई, उस आखिया साढ़े तेरे वसायल ही नहीं था, मच्छी कितों आई, उस आख्या वो जो खोटा सिक्का तुसी दिता है उन्हें वादा किया है, जी पहली है ना जी मच्छी लगी असी तुहानू वो दिसा। खैर जी, वो उस आख्या तो उस नाल ये भी दसिया कि मैं इन मच्छी टुकी है, तो विचू दो लाल भी निकले ने जेडे मैं अंदर रखे। खैर उन्हें मच्छी आराम नाल खाधी, जेले हनेरा पिया ना, तो वो जेडे लाल आन वो चमके, इतने चमके कि रोशनाई हो गई। खैर उन्होंने ये तो पता लग गया भाई ये कीमती शह है, लेकिन ये पता कोई नहीं लगा कि इन्हों की कितनी कीमत है। खैर जी, वो उन्हें दो लाल लाए तो टुर गए सुनारे को, व्यापारी को जिस को गए, उन्हें वंचे विखाया, तो उन्हें आख्या कि असी ये वेचने, उन्हें आख्या दसो कितने का दे, उन्हें आख्या सानू ये नहीं पता, सानू सिर्फ इतना पता है कि ये कीमती बड़े। उन्हें एक लाल दिता, एक लाल भी बचा लिया, तो एक लाल के बदले वो जरा सुनारा आई ना, या वो ताजर आई या वो व्यापारी आई, उस आख्या जितने पैसे तुम चाह सकते हो तुम चाह लो लै वन। खैर वो जितने भी लै सकते हैं वो लैके गए। सब तो पहले तैन पता है ना कि अगर पैसे इस तरह मिल जाए किसी ने, तो उन्होंने कोशिश होती है कि सब तो पहले या जमीन लै लीए या मकान अपना जोड़ा है ना वो ठीक करा लिए। खैर उस भी इन यार फैसला किया, उस सब तो पहले गया बाजार पूछना शुरू किया कि मैं जमीन लैनी है, कोई बंदा जमीन बेचें दो, पता लगा कि जिथे ये काम करता है, जिथे वाण से दिहाड़ी से काम करता है, वो वाण दोनों का है, उसने नाल जा पई आई तो विकती आई। खैर उस जहा वज के लै ली, उस मकान भी बनाया, तो दुकान ही बनाइया। थोड़े अरसे तो बाद बनावण के पिछे बादशाह वजीर का उत्तों गुजर होया, जल्द गुजर होया तो वह वेख के हरियान हो बादशाह वजीर, भाई जो असी इन 100-100 देंदे रहे, जो असी इन 100-100 देंदे रहे, दोबारा दिहाड़ी से आंदा रही, उस एक काने से दिहाड़ी से आंदा रही, जो असन असा खोटा सिक्का दिता तो इस बिल्डिंग भी बना लीए, इस दुकान ही बनाई। आखिर इस राज के ओ उस को उस टाइम गए तो उन्हें पूछा, हूँ सानू राज दस, इस राज के उस आख्या मैं राज एक शर्त दसे सा,
एक शर्त जो रात मेरे को गुजारो था। उन्हें आख्या ठीक है असि तेरे को रात गुजरने आए, लेकिन यह भाई साढ़े को घोड़े इन्हों का बंदोबस्त असं किए करे। उन्हें आख्या घोड़िया का बंदोबस्त भी हो गया से, इन्होंने चारे का बंदोबस्त भी हो गया से, सब कुछ हो गया से। उन्हें जनाब रात उत्थे गुजारी, उन्हें रोटी टुकर का इंतजाम किया, उन्होंने खवाया पिवाया। घोड़िया के कारण वह चौकर लैन गया, तो आप दुकान तो जल्द दुकान तो लैन गया, उस चौकर पूछा उस आखिया कि पिया है दुकान वाले ना, उस आख्या पिया है और जने पिया है जरा बॉक्स है ना डब्बा जरा उस पिया गत्ते आला ना वह बन के चार जल्द उस वेख्या ना तो वो गत्ता जो समान ही दिता है उस आख्या ये भी चाल आ डब्बा ही ये चौकर ही लै बन उस गत्ते दे पैसे ही दे छोड़े ते चौकर दे लैके घर आ गया। जल्द उस उन्होंने घोड़िया गत्ते लगा ना बिचू वह 100 रुपया निकल खलोता। खैर लैके आ गया बादशाह ते वजीर आख्या रात सन जिस कण रहाए सन गल सुना तैन गल दसा असि बड़े बेचैन आए इस गल सुन कण ये की राज है। उस आख्या जेड़ा तुसी बादशाह सलामत मैंने पहले 100 दिता है ओ जेड़ा 100 आई ओ तो इन इन चील आई मैं गोश्त लिया इस किस्म मैंने कसाई दिता मैं सिर ते रखिया मेरे पैसे जेड़े आन उस पाक दे तले मैं रखे आन उस चील अटैक किया चपट्टा मारिया ओ चा के ते ओ लैके लगी गई ओ 100 उंज लगा गया जेड़ा 100 तुसी दूसरे वेरी दिता है ओ अज 100 मैनू मिल गया। उस दस्या मैं चौकर लैन गया ते चौकर दे विच ओ जेड़ा डब्बे च ओ सारी ओ किस्सा स्टोरी उस काल के सुनाई भाई ओ 100 मैनू आज दे गया ते बाकी जेड़ी है जितनी बिल्डिंग शिल्डिंग है ओ ए इस उस खोटे सिक्के तो उन्हें आख्या हूँ ओ दस भाई खोटे सिक्के तो उस आख्या जी इन्हें हार जड़े खोटा तुम सिक्का दिता सानू इन इन ओ साड़ी गवाडन जनी आए गवाडिया उन्हें जाल बनाए दे पैन उन्हें सानू इस तरह ये आख्या ते उन्हें आख्या कि पहली मच्छी असी तुम दिसाए असी उन्हें हार उन्होंने वो पैसे दिते उन्होंने चल गए उन्हें मच्छी दी बिचू लाल लदे ते सन मैं इस तरह जड़ा है सारा लिया। उस आख्या बादशाह सलामत गल यह मुख्तसर मैं गल करा भाई जेले पहले वे तुसी 100 रुपया दिता किस्मत मेरी चंगी ना ही उदन दिहाड़े मैं इतने चंगे ना वो जो कुछ भी मैं करता रही हूं या जो कुछ भी मैं सोचता रही हूं क्योंकि किस्मत मेरी ठीक ना आई तो मेरे नसीब च ना वो मेरे वह सारे वो खत्म होते रहे मैं कोई ना मैं ना दा मिले तो जो मेरी किस्मत ठीक हुई तो उस खोटे सिक्के ही मैनू तार दिता। तो कहानी का मकसद या गल करने का मकसद ये कि जो इंसान की जवेद किस्मत ठीक होंगी है ना सारे काम अल्लाह की तरफों किस्मत साथ देती पई हो ना अल्लाह के तरफों सारे काम ही ठीक होंगे वेंदे ने आटोमैटिक ठीक होंगे वेंदे ने। तो किस टाइम जोड़ा है इंसान कह बड़ी सोच विचार करता है बड़ी समझदारी भी कहता बड़े बड़े काम करता है लेकिन किस्मत क्योंकि वह साथ नहीं आती तो वह नाकाम हो वेंदा है। इसलिए कोई किसी दे यानी काम करन दे विच किस्मत दा जेड़ा है वो आज दी कहानी दा की है कि बड़ा ही अमल दखल होंदा है ज्यादा मेहनत करन नाल या उस नाल नहीं होंदा इंसान दा जेड़ा है अगर अल्लाह पाक दी जात उहदे नाल है ना तो वो हुण अक्सर लोग इम्तिहान दे विच वो बड़ी कहंदे ने नंबर ज्यादा लै लवे तो वह आखदे ने असीं बड़ी मेहनत कीती है ते तां असां नंबर लै नहीं उन्हें मेहनत भी की है इस शक हो लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें मदद की है तो उन्हें ता वो चीज हासिल की हो सकता वह इम्तिहान के ऐसे क्वेश्चन आ वेंदे कि उन्होंने यानी उस टाइम वो आते ही आते उन्होंने समझ ना आया हल ना कर सके ना इस तरह जो मुकद्दर सिद्धि होवे ना हर शाय सिद्धि आती रहती है। उम्मीद करें कि आज की कहानी तुम्हें पसंद आई होगी और अगर तुम मजीद इस तरह की कहानियां सुनने चाहते हो तो साढ़े चैनल सबसक्राइब कर दुआई याद रखे अपना बहुत सारा ख्याल रखे अल्लाह।